कुषाण मौर्य काल में भारत आने वाले प्रमुख विदेशी जातियों में से एक थी और यह लोग मूलतः मध्य एशिया यूची जाति की एक शाखा थी। चीन के प्रसिद्ध इतिहासकार सुमा चीन के अनुसार यह जाति दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पश्चिम चीन में निवास करते थे। कई शुआंग राजाओं पर इनका अधिकार था। लगभग 163 ईसा पूर्व में इन पर हिंगनू कबीले ने आक्रमण कर दिया था और इनके राजा यूची को मार दिया और इन लोगों ने अपनी विधवा रानी के नेतृत्व में वुसुन प्रदेश पर अधिकार कर लिया। सरदारिया से ताहिया पहुंचे, ताहिया और बैक्ट्रिया सोग्डियाना पर उन्होंने आक्रमण कर दिया जहां हिंदी यूनानी लोग राज करते थे और उन्हें जीत लिया। कीचिंग को अपनी राजधानी बनाया। 206 से 220 ईस्वी तक कुषाणों का इतिहास चीनी ग्रंथ हान शू या तथा हाओ शान शू में मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार चू ची की एक शाखा सोग्डियाना पहुंचने से पूर्व अपनी बड़ी शाखा से अलग होकर तिब्बत की ओर चली गई। शेष 5 शाखाओं कुईशुआंग या कुषाण, ह्यू ई शुआंगमी, सिंतु और तुमी को उनके एक सरदार क्यू 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 या कुजूल फटफाइसिस कुईशुआंग या कुषाण समाज की अध्यक्षता से संगठित कर सम्राट बन गया। कुजूल कटफाइसिस ने 1565 ईस्वी तक राज किया और सच धर्मनिष्ठ अभिलेख के अनुसार इसका धर्म शैव या बौद्ध था। इसके बाद विम कटफाइसिस शासक बना जो कुजूल का बेटा था और उसका काल 65 से 78 तक का रहा और यह शैव मत को मानता था। कनिष्क ने देवपुत्र शाहनशाही की उपाधि धारण की थी। भारत आने से पहले कुषाण बैक्ट्रिया में शासन करते थे जो कि उत्तरी अफगानिस्तान एवं दक्षिण उज्बेकिस्तान एवं दक्षिण तजाकिस्तान में स्थित था और यूनानी एवं ईरानी संस्कृति का एक केंद्र था। कुषाण हिंदी ईरानी समूह की भाषा बोलते थे और वे मुख्य रूप से मिहिर के उपासक थे। मिहिर का मतलब सूर्य से आप समझ सकते हैं। सूर्य का एक पर्यायवाची मिहिर भी होता है जिसका अर्थ है वह जो धरती को जल से सींचता है, समुद्र से आर्द्रता खींचकर बादल बनाता है। कुषाण सम्राट कनिष्क में अपने सिक्कों पर यूनानी भाषा और लिपि में मीरों को उत्कंठित कराया था जो इस बात का प्रतीक है कि ईरान के सौर संप्रदाय भारत में प्रवेश कर गया था। ईरान में मित्र या मिहिर पूजा अत्यंत लोकप्रिय थी। भारत में सिक्कों पर सूर्य का अंकन किसी शासक द्वारा पहली बार हुआ था। सम्राट कनिष्क के सिक्के में सूर्यदेव बाईं ओर खड़े हैं और बाएं हाथ में दंड है जो रक्षा से बंधा है। कमर के चारों ओर तलवार लटकी है। सूर्य ईरानी राजसी वेशभूषा में है। पेशावर के पास शाहजी की ढेरी नामक स्थान पर कनिष्क द्वारा निर्मित एक बौद्ध स्तूप के अवशेषों से एक बक्सा प्राप्त हुआ जिसे कनिष्कास कास्केट कहते हैं। इस पर सम्राट कनिष्क के साथ सूर्य एवं चंद्र के चित्र का अंकन हुआ है। इस कास्केट पर कनिष्क के संवत का प्रथम वर्ष अंकित है। कनिष्क में कुषाण वंश की शक्ति का पुनरुद्वार किया। सातवाहन राजा कुंतल सातकर्णी के प्रयत्न से कुषाणों की शक्ति क्षीण हो गई। अब कनिष्क के नेतृत्व में कुषाण राजा का पुनः उत्कर्ष हुआ। उसने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में अपने राज्य का विस्तार किया। सातवाहनों को परास्त करके उसने न केवल पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित किया बल्कि भारत के मध्य देश को जीतकर मगध से भी सातवाहन वंश के शासन का अंत किया। कुमारलात नामक एक बौद्ध पंडित ने कल्पना मंडितिका नाम की एक पुस्तक लिखी थी जिसका चीनी अनुवाद इस समय भी उपलब्ध है। इस पुस्तक में कनिष्क के द्वारा की गई पूर्वी भारत के विजय का उल्लेख है। श्रीधर्म पिटक निदान सूत्र नामक एक अन्य बौद्ध ग्रंथ में लिखा है कि कनिष्क ने पाटिल पुत्र को जीत कर उसे अपने अधीन किया और वहां से प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष और भगवान बुद्ध के कमंडलों को प्राप्त किया। तिब्बत की बौद्ध अनुश्रुति में भी कनिष्क के साकेत विजय का उल्लेख है। इस प्रकार साहित्य आधार पर यह बात ज्ञात होती है कि कनिष्क एक महान विजेता था। उसने उत्तरी भारत के बड़े भाग को जीत कर अपने अधीन कर लिया था। सातवाहन वंश का शासन जो पाटलिपुत्र से उठ गया था वह कनिष्क के विजय का ही परिणाम था। बौद्ध अनुश्रुति की यह बात कनिष्क के सिक्कों और उत्तीर्ण लेखों द्वारा भी पुष्ट होती है। कनिष्क के सिक्के उत्तरी भारत में दूर दूर तक उपलब्ध हुए हैं। पूर्व में रांची तक से उसके सिक्के मिले। इसी प्रकार उसके लेख पश्चिम में पेशावर से लेकर पूर्व में मथुरा और सारनाथ तक प्राप्त हुए। उसके राज्य के विस्तार के विषय में ये पुष्ट प्रमाण है। सारनाथ में कनिष्क का जो शिलालेख मिला है उसमें महाक्षत्रप, खरपल्लान और क्षत्रप विनस्पर के नाम आए हैं।
यूनानी काल में कनिष्क के काल के आरंभ के कुछ सिक्कों पर यूनानी भाषा एवं लिपि लिखा है बेलिसियस बेलिसियन कनिष्को, जिसका मतलब है कनिष्क के सिक्के राजाओं का राजा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के तमाम रोचक और अनसुनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को टैग कर दें, ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।